हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन और समरी देखने वाले हैं इस वीडियो में, सो एंड तक वीडियो देखिएगा। एंड अगर रिवीजन कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो परफेक्ट वीडियो के लिए आए हो, नहीं तो अगर एग्जाम में टाइम है तो इसी चैप्टर की वीडियो है जहां पर कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। सो मेक श्योर करें कि वो वीडियो आप देखें, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम पढ़ाई अच्छे से करें तो एक एक चीज जो हमारे चैप्टर में लिखी हुई है वो हमारे साथ क्लियर हो। तो इसीलिए उसके लिए वो दूसरी वीडियो है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट, तो वो जरूर देख लेना। चलिए फिर ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन स्कोरशाला। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने बताया, हम देखने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड समरी। ठीक है, क्या इस चैप्टर में ऑथर की भी बात करेंगे, साथ ही कंप्लीट एक आउटलाइन हम समझने वाले हैं। ओके जी, चलिए। सो सबसे पहले बात करते हैं, तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, और ये एक तरीके का नैरेटिव है। ऑलरेडी नैरेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, जहां पर नैरेटर खुद की या खुद से रिलेटेड स्टोरी को शेयर करता है। ओके, सो रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है, लेकिन दिस ही इज ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। वैसे ये इंडियन नहीं थे, इनके फादर जो थे वो ब्रिटिश थे, और फिर इंडिया में इनका जन्म हुआ तो इंडिया में ही रहते थे ये, लेकिन थे ये ब्रिटेन डिस्टेंस के। ठीक है, सो रस्किन बॉन्ड के बारे में और भी इनकी कई स्टोरीज हम क्लास 10th में भी पढ़ने वाले हैं। सो इनके जो फादर थे एब्रू एलेक्जेंडर बॉन्ड, वो एक ऑफिसर थे रॉयल एयरफोर्स पोस्ट इन इंडिया में। ठीक है, काफी अच्छी उनकी पोस्ट थी, एक ऑफिसर थे यहाँ पर वो। एंड उसके अलावा अगर मैं बताऊँ, अगर मेन इनकी चीज आपको देखनी है तो बेसिकली इनकी जो फर्स्ट नोवेल थी द रूम ऑन द रूफ, ये जो नोवेल थी ये काफी ज्यादा डेकोरेटेड नोवेल थी, बहुत ज्यादा प्राइज इस नोवेल को मिले थे। और उसके अलावा इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो हुई थी बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला। शिमला का बहुत ही फेमस, और मैं कहूंगी इंडिया का बहुत फेमस स्कूल था वो अपने ब्रिटिश टाइम में, लेकिन उस स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई है। लेकिन ये थे ब्रिटेन से, इंडिया में जब इंडिया को रूल करते थे, इंडिया को जब ब्रिटिश रूल करता था, तो उस टाइम ये अपने फादर के साथ मदर के साथ यहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो काफी अच्छी अच्छी इनकी नॉवेल्स लिखी हैं, काफी इनकी जो है स्टोरीज हैं, क्योंकि काफी ह्यूमरस और काफी बहुत ही शॉर्ट लाइट वेटेड इनकी स्टोरीज होती थी, तो इसीलिए आपकी बुक में आप अभी भी पढ़ेंगे, 9th में भी और 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो रस्किन बॉन्ड नाम याद रखना, रस्किन बॉन्ड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, और इनका कैरेक्टर भी है, ये कैरेक्टर भी है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी समरी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड की ये जो स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो डिपिक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ कीपिंग अ मंकी एज अ पेट इन ह्यूमरस मैनर। ठीक है, बेसिकली ये स्टोरी क्या बता रही है आपको कि एक मंकी को जब आप एज अ पेट रखते हो तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, या फिर मैं कहूँ क्या क्या मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको इस स्टोरी में पता लगेंगी। So in this story, the narrator's grandfather bought a monkey intending to raise it as a pet. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो narrator के grandfather होते हैं वो एक monkey को खरीद लाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे एक pet रखने के लिए। Okay? He got it from a tonga driver for 5 rupees. और कहाँ से लाते हैं, tonga driver से 5 रुपए में। तो अब क्या होता है, ठीक है, क्या वो monkey को रख पाते हैं, monkey कैसा होता है, ये हम story में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक समरी जो स्टोरी है हमारी उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो हमारे नैरेटर ही है। ठीक है, नैरेटर है, या फिर मैं कहूँ रस्किन बॉन्ड, वो खुद ही इसको नैरेट कर रहे हैं स्टोरी को, तो रस्किन जो है वो खुद ही है इसमें। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है टोटो। ठीक है, टोटो जो है वो कौन है, टोटो है एक मंकी, यानी एक छोटा सा बेबी मंकी है, बेबी बंदर है। ओके, तीसरे जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हैं हमारे ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर ही इस मंकी को लेकर आते हैं, वही इसे पालते हैं, और ग्रैंडफादर जो है ना वो एनिमल लवर है, उन्हें एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। उसके अलावा ग्रैंड मदर भी हैं, लेकिन उनका कुछ यहाँ पे दिखाया नहीं है। उसके अलावा कुछ आंट्स भी हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ये तीन जो है मेन कैरेक्टर आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो स्टोरी शुरू करते हैं, कैरेक्टर्स आपको पता चल गए। अब जो ये टोटो है, इसको जो ग्रैंडफादर है वो खरीद के लाते हैं कहाँ से, एक टोंगा ड्राइवर से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कहाँ से खरीदा, टोंगा ड्राइवर से खरीदा, और कितने में खरीदा, ओनली 5 रुपीज में। ठीक है, 5 रुपीज में जो हमारे ऑथर हैं उनके ग्रैंडफादर खरीद के लाते हैं टोटो द मंकी को। अब जो ग्रैंडफादर है ना
उनका एक प्राइवेट जू है, ठीक है, मतलब घर पे ही उनका एक जू है जिसमें उन्होंने काफी सारे एनिमल्स रख रखे हैं, जैसे टॉर्टोइज उन्होंने रखा हुआ है, एक गोट रखी हुई है, उसके अलावा डोंकी रखा हुआ है, ऐसे कई सारे एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। सो प्राइवेट जू है उनका, उसके लिए वो इस मंकी को लेकर आते हैं, मंकी को देखते हैं। पहले कैसे मिलते हैं मंकी से, कि मंकी को जब ये देखते हैं टोंगा ड्राइवर के पास, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। उस बेचारे को एक जो फूड ट्रो होता है, यानी एक खाना रखने वाला जो कंटेनर होता है, उससे बांधा हुआ होता है, और मंकी को देख के ऐसा लगता है कि ये वहां पर बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए ग्रैंडफादर बड़े अच्छे होते हैं, वो उसको 5 रुपीज में अपने प्राइवेट जू के लिए खरीद लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही जो टोटो है उसको घर में लाया जाता है, तो जो ग्रैंड मदर है उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता कि जो कोई भी जानवर घर में आए, ठीक है। तो इसलिए जो ग्रैंडफादर हैं और जो नरेटर हैं, वो दोनों ऐसा ट्रूस बनाते हैं कि हम इसकी जो कि टोटो को हम लेकर आए, इस बात को हम रखेंगे एक सीक्रेट, यानी जो ग्रैंड मदर हैं उनको हम नहीं बताने वाले हैं कि हम एक बंदर लेकर आए हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो नरेटर हैं उनके बेडरूम में यहाँ पर टोटो को जो है बांध देते हैं, ठीक है, टोटो को बेडरूम में बांध देते हैं, क्लोजेट हो रहा है, एक जगह होती है वहां पर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर वो देखते हैं, जाते हैं जब टोटो को लेने, तो देखते हैं कि वहां पर जो पूरा वॉलपेपर था, वो पूरा वो फाड़ देता है, पूरा रूम जो है वो बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके अलावा वहां पर जो नैरेटर है उनका स्कूल ब्लेजर लटका होता है उसको भी वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी पूरा जो रूम है डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको फाइनली जब बताते हैं ग्रैंड मदर को, तो अब उसको स्टेबल में, यानी जो उनका प्राइवेट जूता जहाँ पे जानवर थे, जहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स के पास उनका एक प्राइवेट जूता जहाँ पे सारे जानवर रखे हुए थे, वहां पर उसको रख देते हैं। लेकिन वो पूरी रात किसी भी जानवर को सोने नहीं देता, ठीक है। तो बेडरूम के बाद वो कहाँ गया, वो गया स्टेबल में जहाँ पर उसे रखा सारे एनिमल्स के साथ, लेकिन उसने किसी को भी नहीं सोने दिया बिल्कुल। तो अब जो ग्रैंडफादर हैं उनको जाना होता है सहारनपुर, ठीक है, ये मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे। उनको सहारनपुर जाना होता है अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो अब उन्हें पता है कि ये जो टोटो है ये किसी भी जानवर को सही से नहीं रहने देगा, बिल्कुल शैतानी करेगा, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सहारनपुर मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब सहारनपुर वो कैसे लेकर जाते हैं, एक ट्रेन में वो जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो एक बैग खरीदते हैं और टोटो वो उसमें डाल देते हैं, ठीक है, एक बैग खरीदते हैं और उसमें टोटो को डाल देते हैं। फिर जो टोटो है अब उसको पास निकलने की कोई जगह नहीं होती है, पूरे रास्ते वो फिर अब वो क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पर जब उसको वो बैग में ले जाके रखते हैं तो वो उस बैग के साथ उछलता है, तो पूरा बैग, अब समझिए आप प्लेटफॉर्म पर हैं और वहां पर कोई बैग उछल रहा है, आप सब देखेंगे उसे, तो ऐसे ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है कि क्या है इसमें, ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर उसको चीज को इग्नोर करते हैं और टोटो को उठा के ट्रेन में रख देते हैं और वो लोग वापस मतलब वहां पहुंच जाते हैं देहरादून। अब देहरादून के स्टेशन पर वो देखते हैं कि वहां पर एक अच्छा किस्सा है यहाँ पर, कि वहां पर एक टिकट कलेक्टर उनको मिलता है, यानी जो टिकट देख रहा होता है कि तो टिकट कलेक्टर उनको मिलता है, तो टिकट्स वो सबकी चेक कर रहा होता है। इतने में क्या होता है कि वो जो बैग है वहां से टोटो अपना सर बाहर निकालता है, जैसे सर बाहर निकलता है कलेक्टर देख के तो खुश होता है, लेकिन वो बोलता है कि ये एक डॉग है तो इस डॉग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वहां पर जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं ये डॉग तो है ही नहीं, ये तो एक मंकी है और ये तो एक चार पैरों वाला जानवर भी नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पता, ये एक डॉग है और हर डॉग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। बेसिकली टिकट कलेक्टर ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो उनसे चार्ज करना चाहते थे। तो ग्रैंडफादर उसको 3 रुपए, मतलब पूछते हैं कितना रुपए देना पड़ेगा, तो उसको 3 रुपए देते हैं, मतलब 3 रुपए का चार्ज होता है। फिर जो वो टिकट कलेक्टर है उसको मजा चखाने के लिए, फिर मैं कहूँ उससे रिवेंज लेने के लिए, वो उसको बोलते हैं अच्छा आप सब जानवर का चार्ज करते हो, तो अपने जेब से टॉर्टोइज निकालते हैं और बोलते हैं कि इस जानवर का आप कितना चार्ज करोगे आप, जबकि सब एनिमल का कर रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसका कोई चार्ज नहीं है, और टिकट कलेक्टर वहां से चला जाता है। ये फिर उनकी जो जर्नी है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक किस्सा बताया है बहुत ही अच्छा, कि जो टोटो था उससे बात करना यानी नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो जब भी सर्दियां होती थी तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक गर्म पानी का पॉट उसे देती थी, जिसमें वो सबसे पहले क्या करता था, अपना टेम्परेचर पानी का चेक करता था, फिर एक पैर अपना रखता था उस बाथ टब में, फिर दूसरा पैर रखता था, और उसके बाद में वो पूरा उसमें चला जाता था और सोप लगा लगा के वो नहाता था, मतलब बहुत ही बिल्कुल ह्यूमन जैसे वो नहाता था। और ये चीज उसने कहाँ से सीखी थी, ये सीखी थी उसने ऑथर को देख देख के। फिर उसके बाद में एक बार क्या होता है कि केटल वाला इंसिडेंट बताया है ब्रीथिंग के बाद में, कि एक बार पानी की एक केटल फायर पर रखी होती है, पानी बॉईल हो रहा होता है उसमें,
और वहां पर देखता है टोटो की कोई नहीं है, तो वो पानी को देखता है तो पानी काफी गर्म होता है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो उस केटल के अंदर बैठ जाता है। तो जब तक पानी ठंडा था, नॉर्मल था, तब तक तो उसे मजा आता है, लेकिन फिर पानी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर तो देखता है बाहर तो ठंड है, तो इसलिए वो वापस उसके अंदर चला जाता है। और इतने में ग्रैंड मदर आ जाती हैं और उसको निकाल देती हैं बाहर, मतलब ऑलमोस्ट वो जल चुका था, पूरा हाफ बॉइल हो चुका था और फिर उसे निकाला जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट बताया है। उसके अलावा फिर एक इंसिडेंट और बताया है कि हमारी जो डाइनिंग टेबल थी, उसके अलावा एक और इंसिडेंट बताया है कि जब ग्रैंडफादर ने उसे जानवरों के साथ स्टेबल में सुलाया, तो एक दिन वो जाकर देखते हैं कि चलो जो टोटो है वो सही से कंफर्टेबल है या नहीं। तो वो जैसे ही जाकर देखते हैं कि वहां पर जो उनका डोंकी होता है, नाना जिसका नाम होता है, उसके कान को बाइट कर रहा होता है टोटो, यानी उसको भी बेचारी को नहीं छोड़ता, वो प्यारा सा डोंकी होता है लेकिन उसके कान को बाइट कर रहा होता है। फिर उसके बाद में टोटो को अलग कर दिया जाता है बाकी सारे जानवरों से। और उसके अलावा एक और किस्सा बताया गया है राइस का। तो राइस में क्या होता है कि एक बार डाइनिंग टेबल पर राइस बने हुए पड़े रहते हैं एक डिश में, और टोटो जैसी राइस को देखता है और वो खाने लगता है। इतने में ग्रैंड मदर आती है, ग्रैंड मदर देखती है कि टोटो सारा राइस ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है, तो उसकी तरफ जैसे ही वो चिल्लाती है तो वो ग्रैंड मां की तरफ एक प्लेट फेंकता है। ठीक है, फिर एक और जो नरेटर है उनकी आंटी जो है वो एक बार आती है, उस पर चिल्लाती है कि तुम हट जाओ वहां से, और उसके ऊपर वो पानी फेंक देता है। और जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर से वो डरता था, तो जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं और वो उस डिश को लेकर और विंडो से बाहर चला जाता है और एक जैक फ्रूट के ट्री पर जाकर बैठ जाता है, और वहां पर पूरे शाम वहां पर बिताने के बाद, सारे चावल खत्म करने के बाद में वो उस डिश को जमीन पर फेंक देता है और पूरी जो डिश है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और ये देखकर वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पर इस इंसिडेंट से जो हमारे नैरेटर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, सबको समझ में आता है कि टोटो जो है वो एक पेट एनिमल की तरह हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए मंकी जो होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए उनको रियलाइज हो जाता है ये जो मंकी है ये एक पेट एनिमल की तरह हम इसको नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जो ग्रैंडफादर होते हैं वो स्टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और टोटो को वापस करके आ जाते हैं 3 रुपए में। ठीक है, 3 रुपए उनसे लेते हैं स्टोंगा ड्राइवर से और उनको बेच आते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर 3 रुपए कौन से थे, जो उन्होंने टिकट कलेक्टर को दिए थे, तो उनका ऐसा था कि चलो ये तो पैसे वापस आए। तो ये थी कहानी टोटो की, जो कि एक मिस्चीवियस, बहुत ही नोटोरियस एक एनिमल था। आई होप रिविजन आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड भी हमें चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए अलग से वीडियो है, वो पूरी वीडियो देखना एंड सब्सक्राइब टू स्कोरशाला। कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एंड इसी तरह से बस पढ़ते रहो एंड अच्छा स्कोर आपको करना है। थैंक यू सो मच।